रही हैं, जैसा आपको बोला जा रहा है वही सब है, प्योर कॉपर इन्होंने यूज किया है। इसके अंदर फायदा ये होता है कि अगर हम इसको जला भी देंगे ना तो भी ये देखो खराब नहीं होता है। अच्छा सर, ये वही मटेरियल जो फ्यूज वगैरह में यूज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिए सॉल्यूशन टेस्ट चेक करनी है। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अदर वायर है और ये बहुत ही जल्दी जल चुकी है। किसी और कंपनी की वायर है, देखिए ऊपर काले रंग का धुआं, आप देख सकते हैं। ये हमारे हॉस्पर ब्रांड की वायर है, ये हॉस्पर वायर आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास इसके अंदर एक यूएसबी सॉकेट भी आता है। जनरली आपने देखा होगा जो चार्जर आते हैं उसके वायर लगाते हो आप, उसके अंदर वो वायर डायरेक्टली इसके अंदर लगा सकते हो। यूएसबी सॉकेट तरीका है चीजों को इस्तेमाल करने का, यूज कर चेक करने का। टाइम पे किसी भी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल जो वायर होती है उसके पे क्या कंडीशन होती है वो हम इस पे दिखाएंगे। YouTube चैनल अपनी मार्केट में एक बार फिर से आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आ गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया मंगोलपुरी दिल्ली में और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हॉस्पर के मालिक से, हॉस्पर के ओनर से। हॉस्पर बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स को और ये सारी जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनमें डील करता है। आज मैं आपको यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिलवाने वाली हूँ। हॉस्पर में एक जो यूनिक चीज़ वो ये है कि जो यहाँ के ओनर हैं उनका एम है कि लोगों को सेफ्टी का इन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा है। जो भी प्रोडक्ट्स आपको पहुँचाए जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक किया गया है और वही चीज़ मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं लाइव टेस्ट करके सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और मैं और चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ, जैसा कि रिसेशन चल रहा है, सबको पता है इकोनॉमी डाउन है, कोई अर्न नहीं कर पाता, बट इस रिसेशन के दौर में सिर्फ और सिर्फ आप हॉस्पर से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि रिसेशन के बाद भी ये अपने प्रोडक्ट इतने रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल कराते हैं कि हर कोई इससे प्रॉफिट कमा सकता है, चाहे वो इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो। एक और बात मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, जैसे हमने सुना है बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं तो वो होलसेलर के साथ डील नहीं करती, वो सीधा कहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं और हम उन्हें ही माल देंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हॉस्पर है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो डील करती ही है, प्लस में होलसेलर्स के साथ भी डील करती है। तो ये होलसेलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लेंगे उस पर और अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले यहाँ के ओनर से मिलवाती हूँ। हेलो सर, आपका नेम? मेरा नाम शशांक गोयल है। शशांक गोयल सर, आप थोड़ा बताएंगे आपकी फैक्ट्री किस लोकेशन में है? हमारी फैक्ट्री मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, ये पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका मेट्रो के थ्रू ही आने का है। ओके, हॉस्पर ब्रांड के बारे में कुछ बताएंगे, आप कितने सालों से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मतलब जो भी आपने स्टार्ट किया है? वैसे तो हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर, 1971 से मेरे फोर फादर्स काम के अंदर हैं, बट मैं इस काम के अंदर 6-7 साल पहले से आया हूँ। और हमारा जो काम है, जो हमारा फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी को लेके है। जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वायर्स, स्विचेस, सॉकेट्स, जो प्रॉब्लम्स मार्केट में चल रही हैं जिसकी वजह से सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने उसको सॉल्व करने का बहुत कोशिश की है। अभी आपको हम सारा डेमो दिखाएंगे कि हमने उसके अंदर कैसे किया है और क्या किया। तो सर ने अभी आपको बताया हॉस्पर के यहाँ पे आपको सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स मिलेंगे, प्लस में केबल वायर्स जो भी होती है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है वो भी मिलेंगी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है और जो जो दिक्कतें मार्केट में आती हैं इनका बेसिक मोटिव यही है कि जो लोगों को दिक्कतें आती है उनको इन्होंने एनालाइज किया खुद पर्सनली और उसको सॉल्व किया है, और वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों का और डीलर भाइयों का भी बहुत ध्यान रखा है, जो उनको जनरली दिक्कत आती है कि किसी कंपनी का माल लें कि नहीं लें, बिकेगा या नहीं बिकेगा, हर क्वेश्चन का हमने प्रॉपर आंसर दिया है इसके अंदर, हर प्रॉब्लम का सलूशन किया है इसके अंदर। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट कोई डीलर हमारे से माल लेके आता है उसको नहीं बिक पाता है तो उसको रिटर्न हो जाता है, अगर वो फुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई परेशानी नहीं है, मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा उसको,
वो वहीं बैठा हुआ डील भी कर सकता है, जरूरी नहीं है उसको डेली आना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है, हम उसको कैटलॉग वगैरह सब सेंड कर देंगे, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर हम कैटलॉग, ब्रोशर और फोटोग्राफ्स भेज देते हैं। वीडियो में उसको हम लाइव टेस्ट दिखाई रहे हैं अभी, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी वो चेक कर सकता है, वीडियोज़ वगैरह समझ सकता है क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। नए नए प्रोडक्ट्स हम उस पर पोस्ट भी करते रहते हैं, जो जो हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस किए हैं वो सब उस पर हैं और अभी हम इसमें दिखाएंगे भी। अब अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो वो दिल्ली आ जाए विजिट करके तो सबसे बढ़िया, बट अगर नहीं कर सकता है तो ऑनलाइन भी हम डीलिंग कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी डीलिंग करते हैं, डीलर से भी डीलिंग करते हैं। अगर किसी एरिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके थ्रू हम माल दिलवा देंगे, अगर किसी एरिया में कोई अवेलेबल नहीं है तब भी हम अवेलेबल कराएंगे मटेरियल डीलर्स को, डायरेक्ट होलसेलर्स को मटेरियल देंगे। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि होलसेलर्स को भी नाराज नहीं होना, और प्लस में अगर आपको इश्यू आता है कि आपका माल नहीं बिकता तो भी इनके पास पॉलिसी आप रिटर्न भी कर सकते हैं, प्लस में गारंटीड प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। लाइव टेस्ट यहाँ मैं करने वाली हूँ तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही ज्यादा हम लाइव टेस्ट आपके सामने, जो वायर्स में प्रॉब्लम होती है जल जाती है वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको सामने दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इतनी ज्यादा इसमें आपको बता दिया क्वालिटी प्रोडक्ट है और सब कुछ अच्छा है, तो आपको प्राइस के लिए बेचैन हो रहे होंगे, भाई प्राइसेस हाई होंगे, प्राइसेस ऐसा नहीं है, प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, बट प्राइसेस जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि इसके प्राइसेस क्या क्या है। एक गारंटी हम देते हैं आपको कि जो प्रॉफिट आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिलेगा वो किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। आज के टाइम में हर कोई सिर्फ और सिर्फ बढ़िया मटेरियल ही मांग रहा है, कभी भी कोई घर बना रहा होता है, कोई भी घर का काम कर रहा होता है, कभी ये जाके नहीं बोलता है कि मुझे हल्का मटेरियल दे दीजिए, हमेशा बोलता है मुझे बढ़िया दे दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिशियन जो वर्क करता है वही एक पॉइंट को चेंज करने के 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ले लेता है, 4 बजे फोन करने पे अवेलेबल हो पाता है, वो भी बेचारा बिजी होता है, तो उस केस के अंदर हर कोई चाहता है कि एक बार ही काम हो, तरीके से हो जाए, बढ़िया माल लग जाए, कंप्लेंट ना आए उसके अंदर। वही हमारा फोकस है, बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट कम रेट पे, जिससे दुकानदार को भी मार्जिन मिल सके और होलसेलर को भी मार्जिन मिल सके और सबका भला हो सके। देखते हैं हॉस्पर के जो ब्रांड है इलेक्ट्रिकल आइटम्स में उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनके पास सारे ही आपको इलेक्ट्रिकल आइटम्स मिलेंगे जो भी एक घर में यूज होते हैं, और जो भी कोई न्यू अपना घर बनाता है उसको जो जो सामान चाहिए होता है वो सब आपको मिलने वाला है। आप टॉप पर देखिए इनका जो टैग लाइन है वो है वी मेक इलेक्ट्रिसिटी से, जिसपे इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है, और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही डिमांडिंग है, जो मेरे व्यूअर्स को चाहिए थे वो थी वायर्स, और वायर्स और आपको सेफ्टी जब उसमें मिल जाती है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। तो हम करने वाले हैं लाइव टेस्ट वायर्स के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए लाइव टेस्ट। तो सर आप बताइए कैसे आप टेस्ट करने वाले हैं वायर्स के साथ। सबसे सिंपल तरीका वायर को टेस्ट करने का होता है, उसे लाइटर से जला के देख लो आप किस टाइप का वायर है, किस टाइप का इंसुलेशन लगा हुआ है इसके ऊपर। इसमें दो ही चीज होती है, अंदर कॉपर होता है, बाहर इंसुलेशन होता है, कॉपर करंट कैरी करेगा, बाहर जो इंसुलेशन होता है उसको सेफ्टी करा देता है, ठीक है, लीक नहीं होता। आपको इंसुलेशन चेक करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अदर वायर है और ये बहुत ही जल्दी जल चुकी है, किसी और कंपनी की वायर है, देखिए ऊपर काले रंग का धुआं आप देख सकते हैं, तो ये सेफ्टी नहीं है, अदर वायर्स हैं और वो बहुत अच्छी ब्रांड की वायर मैं आपको दिखा रही हूँ, बट नाम नहीं ले सकते हम, आपको दिखा देते हैं। ये हमारे हॉस्पर ब्रांड की वायर है, ये हॉस्पर वायर है, आप देख सकते हैं इसमें वो वायर बहुत जल्दी बर्न हो गया था, ब्लैक हो गया था, ये देखिए आपको आपके सामने है, ये बिल्कुल भी नहीं जला है, ना ही इसमें कोई धुआं आ रहा है, लाइव टेस्ट आपके सामने हो रहा है, यानी कि सेफ्टी की पूरी पूरी यहाँ पे ध्यान रखा गया सेफ्टी के बारे में। आप देख सकते हैं कितना टाइम से लाइटर हमने ऑन किया हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ इस वायर को। सर वैसे तो सीक्रेट्स होते हैं कि भाई नहीं पूछना चाहिए, बट मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सर बताइए। देखिए जो हमारी जो सोच है वो ये नहीं है कि हमारे को इसके बारे में बताना नहीं है लोगों को, हम चाहते हैं घर घर तक पहुंचे और मैन्युफैक्चरर्स भी इसको बनाएं ताकि किसी की जान बच सके, ताकि हर जगह तक हर घर तक इसको पहुंच सके। आप इसकी शाइनिंग देखिए कॉपर की, एकदम प्योर कॉपर हम लगाते हैं इसके अंदर, प्योरिटी का ध्यान रखा है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, जैसा आपको बोला जा रहा है वही सब है, प्योर कॉपर इन्होंने यूज किया है। सर वो बर्न क्यों नहीं हुआ वायर, आप उसका इंसुलेशन का बता सकते हैं कुछ? ये जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं जीरो हेलोजन, ये बेसिकली ये बर्न नहीं होती है, ये बहुत कम कंपनीज बना रही हैं, और अगर कुछ बना भी नहीं तो उसको बहुत हाई प्राइस पे बेच रही हैं। हमने इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा है ताकि हर जगह तक पहुंच सके, हर घर तक पहुंच सके। बता सकते हैं आप स्टार्टिंग प्राइसेस वायर के?
वायर का प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर 1 mm का बंडल है तो लगभग लगभग आपको जो और कंपनियों के प्राइस मिलते हैं मार्केट में उससे कुछ प्लस माइनस में ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरा वायर है कंपनी का जो जल जाता है जिस रेट में उसका मिलेगा उस रेट में हमारा ना जलने वाला मिल जाएगा। हमारे पास भी जो जलने वाला वैरायटी वो हमारे पास ही अवेलेबल है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल FR वायर, ये हमारे पास ही अवेलेबल है। लेकिन हमने एक ये सुपीरियर ग्रेड भी बनाया हुआ है, अगर किसी को सिर्फ प्राइस का ही मैटर है, सेफ्टी का मैटर इतना नहीं है तो ये वाला वायर भी ले सकता है। अगर किसी को नहीं प्राइस का मैटर नहीं है, सेफ्टी का ज्यादा मैटर है तो ये ले सकता है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी में आपको सेफ्टी ही ज्यादा रखना चाहिए। प्राइसेस आपको बता रहे हैं सर कि जो वायर आपको बाहर से ब्रांडेड मिलने वाली है वही सेम वायर यहाँ से मिल जाएगी और वो भी सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कहीं पे आग लगती है और आप पूछते हैं कि क्यों लगी आग, 90% रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी। शॉर्ट सर्किट से बहुत आग और जब भी कहीं पे आग लगती है वहाँ पे आप देखते हो धुआं हो जाता है। जो मेजर कैजुअलिटीज होती हैं, जो मेजर डेथ्स होती हैं, उसका रीजन जलने का नहीं होता है, उसका मेजर रीजन होता है धुएं से दम घुटना। जो ऑर्डिनरी PVC होती है उससे काले रंग का धुआं निकलता है जिससे दम घुट जाता है, टॉक्सिक स्मोक निकलता है, ब्लैक टॉक्सिक स्मोक। अगर आप उसको 1 या 2 बारी भी इनहेल कर लोगे तो उसी में काम खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा इस वायर में होता ही नहीं है। पहली बात तो जल्दी नहीं है, इसकी वजह से जल्दी से शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, और दूसरा अगर जल भी जाती है तो धुआं नहीं निकलता काले रंग का, तो चोकिंग की हैजर्ड कम हो जाता है। तो पॉल्यूशन का जैसे कि आजकल दिल्ली में चल रहा है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, इससे कोई पॉल्यूशन कोई स्मोक नहीं निकलने वाला है क्योंकि जैसे कि अभी सर ने बताया स्मोकिंग और ये पॉल्यूशन से ही ज्यादा डेथ होती है और उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है। तो सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान में रखा है जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ। 1 लाइव टेस्ट हम ले चुके हैं, आगे आप देखते रहिए और भी हम टेस्ट आपके सामने करने वाले हैं। अब हम अपने टेस्ट जारी रखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर हम आ गए हैं। अब सर बताने वाले हैं ये किस चीज का टेस्ट है और इसके बारे में पूरा डिटेल में, तो स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट कीजिए। ये हमारा PVC टेस्ट मशीनरी है। okay. जिस टाइम पे किसी भी घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल जो वायर होती है उसके पे क्या कंडीशन होती है वो हम इस पे दिखाएंगे। okay. ठीक है, इसमें हम जैसे ही बटन दबाएंगे तो लोड आएगा इसके अंदर, एम्पियर के अंदर। okay. ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं लोड आया। देखिए जो रेड वाला वायर था वो किसी और कंपनी का वायर था, जो ब्लैक वाला वायर है आप थोड़ा फोकस कीजिए, आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला वायर है ये हॉस्पर का वायर है। देखिए आपको हॉस्पर, ये हॉस्पर का वायर है और जो रेड वाला वायर है ये किसी और कंपनी का वायर है। यहाँ पे वायर का टेस्ट आपका एक बार और हो गया। देखिए लोड डालने के बाद अदर वायर मेल्ट हो गया है बट हॉस्पर वायर को कुछ भी नहीं हुआ है, आप अपने आप सामने देख सकते हैं। तो लाइव टेस्ट एक और क्लियर हो गया, हॉस्पिटल ने एक और लाइव टेस्ट क्लियर करके दिखाया है आपको। सेफ्टी की बार बार गारंटी ली जा रही है और वो भी आपके सामने टेस्ट भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल सिक्योर है। सेफ्टी प्रोडक्ट खरीदिए और रीजनेबल प्राइस पे, मेन चीज है रीजनेबल प्राइस पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। जैसे कि हम 2 लाइव टेस्ट कर चुके हैं, एक और टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उससे बीच में हम जान लेते हैं कि इनके पास और क्या क्या प्रोडक्ट है। तो सर आप बताइए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे स्विचेस आते हैं, हम गारंटी करते हैं हमारे स्विचेस जो है सेफेस्ट स्विचेस इन इंडिया हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 5 तरीके स्विच आते हैं। ये डॉली स्विच आ गया, ये रॉकर आ गया, ये फ्लैट आ गया, ये लाइफस्टाइल आ गया और स्लिम स्विच आ गया। स्लिम स्विच, ठीक है। इसमें खासियत ये है कि ये सबके सब एक ही प्लेट में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई स्विच नया बेचना है तो आपको नया प्लेट वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा। ये बहुत सारी कंपनियों के प्लेटों में बैठ जाते हैं और कंपनी के प्लेट के स्विच भी हमारे प्लेटों में बैठ जाते हैं, तो कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आता है। सर जैसे इसमें होता है ना ज्यादातर ये जो फैन वाले वो फ्री हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। गारंटी देते हैं, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती मेरे फैन रेगुलेटर के अंदर और बहुत अच्छी लाइफ है हमारे रेगुलेटर की। हमारे पास इसके अंदर एक USB सॉकेट भी आता है, जनरली आपने देखा होगा जो चार्जर आते हैं उसके वायर लगाते हो आप उसके अंदर, वो वायर डायरेक्टली इसके अंदर लगा सकते हो। USB सॉकेट 2.1 mAh का, इसमें iPhone वगैरह भी चार्ज हो जाएगा। ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपको चार्जर की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। सर जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ होलसेलर्स के साथ भी डील करते हैं, तो सर होलसेलर को जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप अवेलेबल करेंगे? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है हमारे पास से, और जो भी मटेरियल हमारे को दिखाएगा उसका वो हमें पेमेंट करे, हम उसको ट्रांसपोर्ट थ्रू मटेरियल यहाँ से डिस्पैच करते हैं। आप पेमेंट किसी भी मोड से ले सकते हैं, ऑनलाइन जो भी मोड होते हैं। हाँ, हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं। क्रेडिट, ये तो और एक और अच्छी, मतलब आपको सर से बात करने के बाद जो और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिल रही है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट
दे सकते हैं जो जनरली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर सबके लिए ये गुड न्यूज है और प्लस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस पे आपको सेफ्टी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे आपने और भी कंपनीज के सॉकेट्स देखे होंगे 16 एम्पीयर के अंदर, उसमें मैं शटर में प्रॉब्लम देखी होगी। शटर के अंदर अगर आपको टू पिन लगाना है, ऐसे अगर टू पिन लगाना होता है तो आपको इसके अंदर आपको यहाँ पर पेंसिल लगानी पड़ती है, पेन लगाना पड़ता है, ऐसा पैसे उठाना पड़ेगा, उसके बाद से फ्री टू पिन लगता है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में आप ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आपको कोई पैन की जरूरत नहीं, ये सारे प्राइसेस रिवील नहीं करना चाहते अपने डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और वो चाहते हैं कि वो भी प्रॉफिट कमा सके। चीजों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था सर ने स्पेशली पर्सनल एनालाइज किया मार्केट की प्रॉब्लम्स को और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा है। और एक और बात बताती हूँ, सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई का बहुत अच्छे से यूज किया है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। अब आपको सर दिखाने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्वालिटी और क्या प्रोडक्ट्स में यूज किया हुआ है। आप ये देखिए जो हमने पार्ट्स यूज किए हुए हैं प्लग टॉप्स के अंदर, बहुत हैवी क्वालिटी के हैं। इसमें आप 4 mm का वायर भी कसेंगे तो भी स्लिप नहीं होगा ये। इसमें जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इसको स्क्रू को टाइट करते हो इसको, तो ये फ्री हो जाता है थोड़ा टाइट होने के बाद, और वो लूज हो जाता है, उससे स्पार्किंग होती है, उसी से आग लगती है, उसी से ख़राब होती चीज़ें। हम गारंटी करते हैं हमारा एक भी स्क्रू स्लिप नहीं निकलेगा, एक भी स्क्रू फ्री नहीं होगा। ₹70 डिस्काउंट आपको मिल सकता है, आप अकॉर्डिंगली जितना माल आप ऑर्डर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट भी इनपे प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अप्रॉक्स प्राइसेस बता दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कितने से कम प्राइस में आपको कितनी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसे कि अभी सर ने प्राइस बताया आपको, वो प्राइस रिटेल प्राइस है और आपको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अलग अलग प्राइसेस होंगे, वो डिपेंड करते हैं आप कितना माल ऑर्डर करेंगे उस पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब हम एक और टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और सामने सामने आपको एक टेस्ट दिखाने वाली हूँ जो हमें आम डेली रूटीन में दिखाई भी देता है और वो यहाँ सामने हम टेस्ट करने वाले हैं। तो सर स्टार्ट कीजिए। आपने जनरली देखा होगा जब भी आप प्लग टॉप को लगाते हैं और निकालते हैं, कई बार क्या होता है सॉकेट भरा आता है। ये सर जनरली होता ही है डेली में, ठीक है ना, और उसको आपको पकड़ के लगाना पड़ता है, पकड़ के खींचना पड़ता है। ये डायरेक्शन दी जाती है बड़ों के अकॉर्डिंग, बच्चे कहते हैं कि भाई पकड़ के लगाइए क्योंकि वो निकल जाता है, निकल जाता है। तो उसका हमने एक सोल्यूशन बनाया है, उसका भी सोल्यूशन है देख सकते हैं आप। ये हॉस्पर का है, ये हमारे हॉस्पर का है। इसमें हमने सोल्यूशन क्या किया है, ये लॉक्स लगा दिए हैं स्पेशल। पहली बात तो हमने सॉकेट ही बहुत हैवी कर दिया है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर लॉक्स लगा दिए हैं। जब आप इसको टॉप को सॉकेट को लगाएंगे, इसके अंदर लगाने के बाद ये लॉक्स लगा दीजिए। अब लॉक से ये नहीं निकलने वाला, ये निकलता पता है क्यों है? हाँ जी। इसके अंदर ना ये छोटे छोटे लॉक्स होते हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे लॉक्स होते हैं इसके अंदर। जब ये लॉक दबता है ना तभी निकलता है, जब ये लॉक दबता है तब निकलता है। ये हमने क्या किया, ये लॉक्स बनाए और इस लॉक को इसके नीचे लगा दिया। अब ये इसको दबने नहीं देगा तो निकलेगा नहीं, तो वही हम इसमें चैलेंज करते हैं। जब आपने इसको लगा दिया, लॉक लगा दिया, आप लैपटॉप लगाएंगे आपके सामने टेस्ट आप देख लीजिए और खींचेंगे, निकलेगा नहीं है। आप चाहे कितने भी प्रेशर से खींच लीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उसे होल्ड कीजिए ना कीजिए, वो निकलने वाला नहीं है, निकलेगा नहीं। अगेन सर ने बहुत ही माइन्यूट सी बात पर फोकस करके इसका सोल्यूशन निकाला है और हमें कोई जरूरत नहीं है कि पहले पकड़ेंगे फिर लगाएंगे या निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसमें लॉक प्रॉपर तरीके से यूज किया गया है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं विद लाइफ टेस्ट। और प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया रखी है इसकी, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है किसी भी रीसेलर के लिए, चाहे होलसेलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा इसके अंदर।
प्राइस इस तरीके से रखे गए हैं कि हर कोई उससे कमा सके, क्योंकि बेसिकली बिजनेस इसीलिए किया जाता है ताकि हर कोई प्रॉफिट अर्न कर सके। तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, हर कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन और वो भी इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ कमा सकता है। मेन चीज ये है भाई, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उससे आपकी इमेज भी बनेगी और आपके कस्टमर्स भी बनेंगे। आपको ऐसा कस्टमर चाहिए जो एक बार आए और दोबारा ना आए, उसे आपकी वैल्यू नहीं बनने वाली है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स बेचने वाले हो, हॉस्पिटल के प्रोडक्ट, तो आपका एक कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, क्योंकि इतने रीजनेबल प्राइस में इतने अच्छे प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है, बट लॉन्ग है तो क्या, आपको अच्छी चीजें यहाँ पे जानने को मिल रही है। मुझे लगता है आपको वीडियो एंड तक ही देखनी चाहिए, हम आगे और प्रोडक्ट्स जानने के बारे में जानते हैं इनके पास। सर आप आगे बताइए। हमारे बैटन होल्डर्स जो है ना, हमारे ये हमारे होल्डर्स भी ISI हैं जनरली, और कंपनीज, हाँ जनरली कंपनीज के ना होल्डर्स ISI नहीं होते, और अन्य कंपनीज के हमारे बैटन होल्डर्स भी ISI हैं। इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, मैं बताता हूँ आपको, जो पूरा होल्डर होता है उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है, इसी पे वायर लगनी होती है, इसी पे बल्ब लगना होता है, ताकि जो सब कवर होता है, ठीक है। ये हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमने रिंग भी अच्छा लगा रखा है कि दबता नहीं है दबाने से ऐसे, ठीक है। दूसरा, और कंपनीज का जो होता है ये स्क्रू जो होता है आयरन का होता है, वो जंग खा जाता है, हमारा पूरा ब्रास के अंदर होता है। इसको टाइट करने पे ना, और कंपनीज का ना फ्री हो जाता है, स्लिप हो जाता है, हम चैलेंज करते हैं कितना भी घुमा लो ये फ्री नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर, फ्री नहीं होगा, डेढ़ एमएम का वायर आराम से कर सकते हो, होल साइज में हमने बड़ा रखा हुआ है इसके अंदर, और हमें छोटा सा होल होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो दिक्कत करता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनके पास, और सारी ही चीजों को ध्यान में, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास और LEDs वगैरह है, उनके बारे में सर के साथ जानते हैं। सर बताइए इनके बारे में। हमारे पास LED लाइट्स आती हैं, इसके अंदर हमारे पास डीप लाइट आती है जो डी जंक्शन में लगती है, छोटी सी लाइट, ये देखिए सबसे ऊपर लगी हुई है, ये वाली देख सकते हैं आप, ऑन हो रही है सारी, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कंसील लाइट्स आती हैं, जो कंसील के बक्से में लग जाती है, जो सीने में जैसे बक्सा लगता है 3 इंची वाला, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये हमारी पैनल लाइट्स आती है, तो हर तरह की वैरायटीज है। अब पैनल लाइट्स के अंदर हमारे पास वो 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची कट साइज में, राउंड और स्क्वायर दोनों है। ये आपके सामने सैंपल जो है ये 6 इंचेस का है, 6 इंचेस 15 वॉट बोलते हैं हम इसको, ये राउंड का सैंपल है, और एक जो सैंपल है आपके सामने ये स्क्वायर के अंदर है 8 इंचेस वाला, 22 वॉट के अंदर। आप फिनिशिंग देख सकते हैं हमारे वाले में, जो बेस्ट पार्ट है वो छोटा सा बॉर्डर है इसका, बॉर्डर बहुत पतला है। और कंपनी से देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बॉर्डर्स होते हैं, हमारे का बॉर्डर बहुत पतला है, लाइट बहुत अच्छी आती है सामने से इसके। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन भी हो चुके हैं, लाइट आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन लाइट, ये भी दिख रहा है कि कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है, कितनी अच्छी लाइट है, ब्राइटनेस है। और सर ने जैसे बताया बॉर्डर का ध्यान में रखा गया, बॉर्डर बहुत छोटा बनाया गया है अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग, अगर आप कंपेयर करें। हमारा जो पावर फैक्टर था इसमें 0.95 से अबव आता है, जिसकी वजह से ना कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम होती है। ये और बेस्ट पार्ट है सर, क्योंकि आजकल लोग जो बिजली का बिल आता है उसी से ज्यादा सफर कर रहे हैं, हाँ तो इससे मतलब लाइट भी कम आएगा, बिल कम आएगा। और हमारा जो लाइट है वो जल्दी से डिम नहीं पड़ेगी, इसकी लाइट काफी टाइम तक ब्राइटनेस में ही रहेगी। आपको सारे गारंटीड प्रोडक्ट मिलेंगे, रिप्लेसमेंट की भी गारंटी है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है वो नहीं, और प्लस में गारंटी जो रिप्लेसमेंट होती है वो जनरली किसकी होती है कि अगर कोई खराब प्रोडक्ट है तो रिप्लेस होगा, बट सर ने कहा अगर डिस्ट्रीब्यूटर से वो सेल आउट नहीं होता, सोल्ड आउट नहीं होता, तब भी वो उसे वापस ले सकते हैं, तो आपको किसी को लॉस होने वाला नहीं है। आप हॉस्पिटल के साथ डील करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। सर अब हमें और प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, सर ये कौन सा प्रोडक्ट है, थोड़ा यूनिक ये कंसील लाइट है, हाँ जी, जिसके घर में फॉल सीलिंग नहीं करा रखी है उसने, वो कंसील्ड के बक्से लगाया था लोहे के, वो उसके अंदर आराम से लगता है, 3 इंची कट साइज होता है इसके अंदर, और ये बहुत रनिंग प्रोडक्ट है और बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा बिकता है, इसमें सीलिंग की जरूरत नहीं होती, फॉल सीलिंग जो होता है वो करनी होती है, जो फॉल सीलिंग आजकल आपने देखा होगा सब लोग करवाते हैं, बहुत पैसा लगता है, तो उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप ये LED आप जो है लगवा सकते हैं अपने घरों में। और जैसा कि सर ने बताया बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है और रीजनेबल प्राइस, तो आप अपने आपको पूरा श्योर कर सकते हैं कि कोई भी फेक नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। यहाँ पे आपकी मशीन मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ टेस्ट हो रहा है स्विचेस का कि इनकी बिल्कुल क्वालिटी ठीक है, इन्हें कुछ नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव टेस्ट हो रहा है, क्वालिटी चेक हो रही है इस मशीन के थ्रू, तो बहुत ही ध्यान में रखकर सारा काम किया गया है। अब हम आगे दिखाते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सारी, आप देख सकते हैं मेरे सामने सारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके लिए हमने बात की थी हॉस्पिटल की, यहाँ पे
आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पैकेजिंग हो रहे हैं। इस तरीके का आपको बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। आपको एक यूनिट कैप्चर करके दिखा दिया है, इनकी खुद की 3-4 यूनिट्स हैं और अब हम नेक्स्ट यूनिट पर जा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे माल डिस्पैच। तो अब हम आ गए हैं इनके वेयर हाउस में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे के सारे माल बहुत अच्छे से पैक हो चुका है और यहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच हो जाता है, आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो प्लस पॉइंट है कि आप इनसे कोई झिझक नहीं है, आप कितना भी माल ऑर्डर कर सकते हैं, अप टू 50 लाख तक के भी आइटम्स ये उसी दिन डिलीवर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आप कितना भी माल ऑर्डर करिए और आपको घर बैठे माल मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ। तो जल्दी से जल्दी जो भी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसे डायल कीजिए, हॉस्पर के साथ डील कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मंगाइए अपने घर और लोगों को और कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कीजिए। आप देख सकते हैं इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं खुद दिखा रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे और एक ही दिन में। ऐसा नहीं किसी के साथ इशू हो जाता है कि भाई हमने 10 लाख का ऑर्डर कर दिया तो हमें मिल ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है, डिले ही नहीं होने वाला। मैंने बताया ना 50 लाख तक का सामान ये एक दिन में डिलीवर कर सकते हैं। तो सर जनरली हमें प्रॉब्लम आती है कि लोगों को यही पूछना होता है कि कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ लोगों का बजट कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स ही जुड़ सकते हैं या डीलर्स भी, तो आप कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। मतलब सिर्फ वही लोग डील कर सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल आइटम्स की नॉलेज है या वो भी डील कर सकते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, तो ऐसा कुछ आप बता दीजिए ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि क्या करना है एक्चुअली। जनरली जो हमारा फोकस रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हम बनाएं ताकि हमारा नेटवर्क बड़ा हो सके। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ही मैं बात करने वाली थी कि उसके कोई चार्जेस नहीं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कोई चार्जेस नहीं है। जितने रुपए का वो जितना वो पेमेंट करेंगे उतना मटेरियल देते हैं मिनिमम। बस एक कंडीशन रहती है कि उस एरिया में पहली बात तो कोई और काम ना कर रहा हो उसका, अगर उस एरिया में पहले से कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते हैं। उससे कितना रेंज होता है आप एरिया बता सकते हैं? लगभग डिपेंड करता है उसकी सेलिंग के ऊपर, अगर कोई ज़्यादा माल ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो उसका एरिया बड़ा होता है, तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम रहती है तो उसका एरिया छोटा रहता है। अगर लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम 3-5 लाख का मटेरियल फर्स्ट टाइम उठाना पड़ता है, आगे जितना उसका बिकता रहेगा उतना वो हमसे लेते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी उसको चाहिए होगा चाहे 10 डब्बे चाहिए होगा तब भी हम उसको देंगे। मतलब स्टार्टिंग में एक बार 3 लाख लगाने, उसके बाद वो कम में हाँ डिपेंड करता है कि क्या क्या मटेरियल प्रोडक्ट्स वो हमसे लेगा। अगर सारा आइटम लेगा तो 5 लाख तक भी हो जाता है, अगर थोड़ा कम लेगा तो 3 लाख तक भी हो जाता है। और सेकंड थिंग इज दिस कि मतलब सिर्फ डिजी तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बता दिया, जो मैं होलसेलर्स के बारे में बात करने वाली हूँ तो क्या होलसेलर्स भी डील कर सकते हैं? हाँ जी, जो होलसेलर्स और डीलर्स हैं या रिटेलर्स हैं वो भी हमसे डील कर सकते हैं, अगर उनके एरिया वो हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस नंबर पर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जो भी उनके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर होगा या तो हम उनसे कनेक्ट करा देंगे, अगर उनके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी होगा तब हम फैक्ट्री से प्रोवाइड कराएंगे, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोवाइड कराएंगे जब तक वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है। तो सबके लिए शॉर्ट ही है, होलसेलर्स को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर होलसेलर्स मिनिमम कितना मतलब बजट उनका होना चाहिए? अगर 10-15 हज़ार पे 20-25 हज़ार का भी मटेरियल होगा तब भी हम दे देंगे। और अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है वो किसी और लाइन से है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर उसको थोड़ा कम पूंजी है तो 50-60 हज़ार में भी हम बिजनेस शुरू करा सकते हैं। मतलब 50-60 हज़ार में भी आप इतनी अच्छी ब्रांड के साथ बिजनेस कर सकते हैं। होलसेलर्स का सर ने बता दिया 15-20 हज़ार का भी वो आपको सामान दिला सकते हैं। प्लस में वो पहले चेक करेंगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट करा देंगे, अदरवाइज वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके पास माल पहुँच जाएगा। तो सारी ही प्रॉब्लम्स का यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, होलसेलर्स हों, रिटेलर्स हों, इवन जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए भी सारे सोल्यूशन है। प्लस में सर आप ये भी बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल नॉलेज होना जरूरी है कि बिजनेस मैन को स्टार्ट करने? हमारा प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, अगर आप नए हो तो आप ये समझिए कि आप ही नए हो, बाकी जो लोग हैं जो इसको आप बेचोगे वो तो पुराना है, जिसको आप सेल करोगे वो तो पुराना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर या किस इस लाइन के अंदर। आप आराम से इसको कर सकते हैं, प्रोडक्ट इस लाइन के अंदर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत प्रॉफिटेबल है।
प्रॉफिटेबल बिजनेस हर कोई करना चाहता है और ये सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जैसा सर ने बताया बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपको इनके साथ डील करना है और अगर प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल रहा है उससे डायल कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे कैटलॉग भी मिल जाएगा। एड्रेस को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको फुल एड्रेस मिलेगा, आप एड्रेस के थ्रू भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं, प्राइस लिस्ट जान सकते हैं और क्या क्या आइटम कितनी रेंज में कितनी वेराइटीज में आपको मिलने वाले हैं सब कुछ आपको व्हाट्सएप। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, लाइव टेस्ट करके आपको हॉस्पिटल की चीज़ें दिखाई हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स दिखाई हैं, केबल वायर जिसकी डिमांड थी वो भी लाइव टेस्ट करके यहाँ पर दिखाई है। तो आप जल्दी से जो भी स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है आपको वो डायल कीजिए, हॉस्पिटल के प्रोडक्ट्स को अपने घर मंगाइए और होलसेलर्स डीलर्स मैन्युफैक्चरर हर कोई इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डील कीजिए। बहुत ही बेस्ट डील है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।